नमस्कार आदाब सत श्रीकाल, कैसे आप सब। मेरा नाम मिथिलेश सरदार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा वर्कआउट वीडियो होने वाला वो होगा आर्म्स के ऊपर। आज हम बाइसेप और ट्राइसेप को, दोनों मसल्स को हिट करेंगे। तो आज का जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसके लिए हम आज दो डंबल्स यूज़ करेंगे। ये दो डंबल्स मेरे पास 5 kg का एक सेट है, आई होप आपके पास भी होगा तो आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले एक्सरसाइज करेंगे वो होगा बाइसेप्स के लिए। बाइसेप्स में आपको पता होगा बाइसेप्स में दो हेड होते हैं, पहला आपका ये शॉर्ट हैंड फिर आपका लॉन्ग हेड, दोनों को ट्रेन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बाइसेप शॉर्ट हैंड के लिए एक्सरसाइज करेंगे। बाइसेप शॉर्ट हैंड के लिए जो हम पहला एक्सरसाइज करेंगे वो होगा हमारा डंबल कर, ठीक है। डंबल कल आपको इस तरीके से लगा, जब आप डंबल ऊपर लेके जाओगे तो इसको इस तरीके से अपने जो रिस्ट है उसको थोड़ा सा अंदर की ओर रोटेट करोगे, ठीक है। ये हल्का सा आपका जो पिंक वाला, मतलब पिंकी फिंगर है जो आपका लास्ट का जो फिंगर है उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करना है। ध्यान रहे कि हमारे पास जो डंबल्स है वो 5-5 kg का है, तो आपको कोशिश करना है कि मतलब आपका जो मसल माइंड कनेक्शन है वो आपका बना रहेगा। और आप कोशिश करिएगा मतलब अपने फेलियर तक जाने के लिए। फेलियर जाने का मतलब ये है कि अगर आप 10 से 12 का सेट अगर आराम से निकाल सकते हो तो कोशिश करिएगा। आप सेट्स उतने निकालोगे जितने में आपको मतलब कि लगे कि अब मेरे से रैप्स नहीं लगेंगे, ठीक है। दूसरी एक्सरसाइज हम शॉर्ट हैंड के लिए करेंगे वो होगी हमारी डंबल, मतलब कंसंट्रेटर सिंगल आर्म्स। उसको आपको खड़े होकर भी परफॉर्म कर सकता है। मेरे पास फिलहाल अभी कोई चेयर नहीं है, वरना आपके पास अगर कोई चेयर होगा या कोई ऊंची जगह होगा तो वहाँ पे आप बैठ के करोगे। बैठ के करने से क्या होगा कि आपको जो रेंज ऑफ मोशन मिलेगा, ठीक है, मैं अभी फिलहाल आपको खड़े होकर बता रहा हूँ। इस तरीके से अपने जो एल्बो से आपका जो शोल्डर का जो आपका आर्म्स का एरिया है उसको आपको स्ट्रेट रखना है, ठीक है। ये आपका नीचे वापस जाएगा, ऊपर पूरा मसल को स्विच करना है, फिर वापस आना है, फिर आना है। इसमें भी आप कोशिश करिए कि अपने जो आपका जो मतलब रिस्ट है उसको थोड़ा सा आपको ट्विस्ट करना है, थोड़ा सा घुमाना है अंदर की ओर, ठीक है। इसको भी आपको फेलियर तक लगाना है 3 से 4 सेट। दोनों हाथ से आप सिंगल आर्म से ही पहले लगाओगे, फिर दूसरे हाथ से आप इसको परफॉर्म करोगे। इस तरीके से आपके ये दो एक्सरसाइज से आप अपने शॉर्ट हैंड को ट्रेन कर सकते हो। तो ये थे हमारे शॉर्ट हैंड के लिए एक्सरसाइज। अब हम करेंगे लॉन्ग हेड के लिए एक्सरसाइज। तो लॉन्ग हेड के लिए जो हमारा एक्सरसाइज होगा वो होगा डंबल्स। आप थोड़ा सा मतलब वाइड, मतलब थोड़ा सा क्लोज ग्रिप लोगे, ठीक है। वाइड ग्रिप आपका शॉर्ट हैंड के लिए पड़ता है, क्लोज ग्रिप आपका लॉन्ग हेड के लिए पड़ता है। इस तरीके से इसमें आपको अपने रिस्ट को ट्विस्ट नहीं करना है, सीधा आना है, सीधा जाना है। रेंज ऑफ मोशन का ध्यान रखना है, पूरा स्विच करना है फिर वापस जाना है, स्विच करना है फिर वापस करना है। इसको भी आप अपने फेलियर तक लगाओगे। अब जो हमारे दूसरे एक्सरसाइज लॉन्ग हेड के लिए होगी वो होगी आपको मतलब स्टैंड डंबल कर्लिंग, ठीक है। इसको आपको थोड़ा सा बॉडी को बेंड रखना है, ठीक है। ये जो आपका आर्म्स का एरिया है, मतलब जो आपका शोल्डर से लेकर एल्बो का एरिया है, ये थोड़ा सा आपका मतलब पीछे की ओर बेंड रहेगा, मतलब इसको सीधा नहीं रखना है, ठीक है। इस तरीके से आप यूं जाओगे फिर वापस आओगे। इसमें आपने जो अपना रिस्ट है उसको आपको ट्विस्ट नहीं करना, सीधा आना सीधा जाना, सीधा आना सीधा जाना। ध्यान रखिएगा कि जो आपका जो एल्बो है उसको आपको लॉक नहीं करना। लॉक आप करोगे तो ये आपका जो मीडियल हेड है उस पर पड़ने लगेगा, जो आपका ट्राइसेप का एक्सरसाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उसको परफॉर्म करोगे। रेंज ऑफ मोशन का ध्यान रखोगे, ज़्यादा पीछे नहीं जाना है, यहाँ तक लाना है चेस्ट के आपके जो लोअर पार्ट है वहाँ तक, फिर वापस आना है, फिर आना है, फिर जाना है। मसल माइंड कनेक्शन बना के रखना है आपको। इस तरीके से आप दोनों आर्म्स को ट्रेन करोगे। इसको भी अपने फेलियर तक 3 से 4 सेट आप लगाने हैं, ठीक है। इस तरीके से आप अपने लॉन्ग हेड को ट्रेन कर सकते हो। जो तीसरी मसल जो आप इग्नोर कर देते हैं वो हमारी होती है ब्रैकियलियस मसल्स, ठीक है। इसको भी आपको ट्रेन करना उतना ही ज़रूरी है। जब आप खड़े होते हो तो आपका जो आर्म्स का जो मतलब साइड का जो पोर्शन होता है वो आपका ब्रैकियलियस की वजह से दिखता है, ठीक है। ये आपका जितना बड़ा होगा आपका आर्म्स उतना बड़ा दिखेगा, ठीक है। जब आप ब्रैकियलियस के एक्सरसाइज करते हो तो ये क्या होता है कि आपका जो सामने का जो बाइसेप का पोजिशन है उसको धीरे मतलब इधर से पुश करता है, फिर ट्राइसेप को इधर से पुश करता है, जिसकी वजह से आपका जो आर्म्स है वो साइड से थोड़ा सा बड़ा दिखता है।
तो उसके लिए जो एक्सरसाइज होगी वो हम हैमर कर लगाएंगे, ठीक है। हैमर कर में आपको डंबल सीधा रखना है, ठीक है। सीधा वापस आना है, सीधा जाना है, वापस आना है, सीधा जाना है, वापस आना है, सीधा जाना है। इसमें भी आप रेंज ऑफ मोशन का आप अल्टरनेट भी लगा सकते हो एक एक करके। इसको भी आप कोशिश करिए कि मतलब अपने फेलियर तक जाने के लिए रेंज ऑफ मोशन का ध्यान रखोगे। मसल माइंड कनेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास वेट थोड़ा कम है और फेलियर तक अब जाओगे। इसके भी आप 3 से 4 सेट लगाओगे। अब हम ब्रैकियालिस की मतलब दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, उसको हम डंबल को उसी तरीके से मतलब रिवर्स पकड़ के करेंगे। ये आपका चेस्ट के या मतलब लोअर पार्ट जो आपका ये वाला हिस्सा होता है वहाँ तक आपको जाना है, फिर वापस आना है, यहाँ तक जाना है फिर वापस आना है। ये आप जिम में रॉड से लगाते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डंबल है तो हम डंबल से परफॉर्म करेंगे। इतनी दूर आओगे फिर वापस जाओगे, इतनी दूर आओगे, आपको पूरा ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। अपने एल्बो को मतलब स्विंग नहीं करना है। अब ध्यान रहे, कोई सा भी आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका शोल्डर से जो आपका एल्बो का जो पार्ट है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, वो हिलना नहीं चाहिए। आपका एल्बो इस तरीके से स्विंग नहीं करेगा, इस तरीके से दोनों आपको लाना है फिर वापस जाना है, फिर दोनों आना है फिर वापस आना है। इसके भी आपको अपने फेलियर तक सेट लगाइए, ठीक है। 3 से 4 सेट आप लगा सकते हैं। तो अब जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो होगी हमारे ट्राइसेप के लिए। ट्राइसेप में मैं आपको बता दूं कि ट्राइसेप में 3 हेड होते हैं, ठीक है। पहला ये आपका लॉन्ग हेड जो आपका स्वीप बनता है वो, दूसरा आपका हो गया मीडियल हेड, ये जो सामने का ये वाला पोजिशन है ये आपका मीडियल हेड होता है, सॉरी लेटरल हेड। और मीडियल हेड होता है ये जो आपका ट्राइसेप के मतलब जो लॉन्ग हेड होता है, लॉन्ग हेड के जो नीचे एक मसल्स होता है वो होता है आपका मीडियल हेड, ठीक है। तो तीनों को ट्रेंड करेंगे। तो पहली एक्सरसाइज जो होगी वो हमारी होगी मतलब लॉन्ग हेड के लिए। तो लॉन्ग हेड के लिए हम करेंगे डंबल स्कल कर्सल। इसको आप रॉड से लगाते थे, लेकिन आप कोशिश करिए मतलब आप इसको आप डंबल से लगाओगे, क्योंकि हमारे पास डंबल है। तो पहली एक्सरसाइज जो हम अपने लॉन्ग हेड को ट्रेन करने के लिए करेंगे वो होगी हमारी डंबल मतलब स्कल कर्सल, जो कि आप रॉड से लगाते थे, लेकिन आज हमारे पास डंबल है तो हम डंबल से इसको परफॉर्म करेंगे। तो इस तरीके से आपको इस पोजीशन में आना है लेट के, फिर ये दोनों डंबल को कान के पीछे तक थोड़ा लेके जाना है, जहाँ तक मतलब आपका जो नीचे का जो सरफेस है वहाँ तक, फिर वापस ले जाना है, फिर आना है फिर वापस आना है। मसल मैन कनेक्शन बना के रखिएगा। इसके भी आपको फेलियर तक सेट लगाने हैं 3 से 4 सेट। इसमें आपका लॉन्ग हेड ट्रेन होगा। तो ये थी हमारी मतलब लॉन्ग हेड के लिए पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे डंबल एक्सटेंशन वन आर्म्स, ठीक है। ये आपको ओवर हेड करना है सिंगल आर्म्स। ये आपका सर के पीछे जाएगा फिर वापस आएगा, सर के पीछे आएगा वापस जाएगा। अपने हाथों को जो है ये पूरा आप लॉक करोगे, ठीक है। ये यहाँ तक नहीं लेके आओगे, ये हाफ रेंज ऑफ मोशन लेके नहीं जाओगे, ये पूरा लेके आपका ये वाला जो एरिया होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, ये बिल्कुल सीधा जाएगा फिर वापस आओगे, सीधा जाएगा वापस आओगे। इसके भी आपको फेलियर तक सेट लगाने हैं, 3 से 4 सेट लगाओगे। अब हम दूसरा जो हेड को ट्रेंड करेंगे वो होगा हमारा लैटरल हेड, ठीक है। लैटरल हेड के लिए हम किकबैक परफॉर्म करेंगे। किकबैक में आप थोड़ा सा मतलब अपनी बॉडी को थोड़ा सा बेंड करोगे, ठीक है। और ये हाथों का जो पोजिशन है वो थोड़ा सा 90 डिग्री पे, और ये वापस आओगे यहाँ तक फिर वापस पीछे, वापस आओगे पीछे। इसमें आपका मीडियल हेड सॉरी लैटरल हेड आपका ट्रेन होगा। रेंज ऑफ मोशन का ध्यान रखोगे, बिल्कुल धीरे करोगे, कोई हड़बड़ी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मसल माइंड कनेक्शन बना कर रखोगे। इसको भी आपको 10 से 12 का रेपिटेशन के साथ आप कोशिश करिएगा अपने फेलियर तक जाने के लिए। तो ये होगी हमारी लैटरल हेड के लिए, ये होगी हमारी लैटरल हेड के लिए। अब हम करेंगे मीडियल हेड को ट्रेंड। मीडियल हेड आपका जो ये आपका जो लॉन्ग हेड होता है उसके जस्ट नीचे एक मसल्स होता है, वो आपका होता है
मीडियल हेड, इसको हम ट्रेन कैसे करेंगे? इसको ट्रेन करने के लिए बेसिकली आप जिम में मतलब रोप रिवर्स पुश डाउन आप करते हैं, ठीक है, तो इसको आप डंबल से भी परफॉर्म कर सकते हैं। डंबल को आपको मतलब उल्टा रखना है, ठीक है, इस तरीके से नहीं रखना है, इस तरीके से ये, ठीक है, जो आपका रोप पुश डाउन आप जब ऐसे करते हो ना रिवर्स, वही चीज़ है, लेकिन आप इसको डंबल से परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, इसमें भी आप रेंज ऑफ मोशन का पूरा ध्यान रखोगे, अपने चेस्ट का जो लोअर पार्ट है वहाँ तक ऊपर आओगे और पीछे जितना, जब तक आपका मतलब जो एल्बो है मतलब वो लॉक हो जाए, ठीक है, आपको लॉक करना है इसको। ये थी हमारी मीडियल हेड के लिए एक्सरसाइज। इसी तरीके से आपको तीनों हेड को मतलब परफॉर्म करना है अलग अलग वेरिएशन के साथ, डंबल के साथ। आप इसको घर पे भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि अभी लॉकडाउन के वजह से हम अभी जिम नहीं जा पा रहे हैं, तो इस तरीके से आप अगर आपके पास दो डंबल्स है तो आप इसका यूज़ करके आप अपने आर्म्स को ट्रेन कर सकते हो। अगर आपके पास सपोज अगर डंबल नहीं भी है तो आप घर पे कोई सा भी जुगाड़ लगा सकते हो। आप एक बैग लगते हो, बैग में आप पानी की बोतल या फिर पानी की बोतल को भी यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई सा भी ऐसा जुगाड़ लगाइए जिसे आपको वेट कैरी करने मिल जाए, मतलब एटलीस्ट 5 से 10 kg अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप वेट को मतलब कैरी कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने आर्म्स को ट्रेन कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।